प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए कुछ पहेलियां लेकर आई हूं। पहेली तो आप सब जानते हैं ना। पहेली क्या होती है? पहेली एक समस्या होती है जिसका उत्तर हमें सोच समझ कर देना होता है, या ऐसी समस्या जिसका हल हम आसानी से नहीं कर पाते, या किसी बात को घुमा फिरा कर कहना भी पहेली कहलाता है। तो चलिए, अब मैं आपकी बुद्धि की परीक्षा लेती हूँ, देखती हूँ कौन कौन मुझे सही सही जवाब देता है। ठीक है, तो आपके सामने मैं पहली पहेली पढ़ रही हूँ, आपने इसको बताना है। काले घोड़े पर सफेद सवारी, एक उतरते ही दूसरे की बारी। फिर से सुनिए, काले घोड़े पर सफेद सवारी, एक उतरते ही दूसरे की सवारी। बताइए क्या है चीज वो? चलिए आपको मैं एक हिंट देती हूँ, ये आपकी रसोई में मिलेगा। अब सोचिए, बताइए मुझे क्या है वो चीज। बिल्कुल सही सोचा आपने, तवा और रोटी। काले घोड़े की सफेद सवारी, यानी तवा काला घोड़ा और उसके ऊपर सफेद सवारी रोटी। उसके बाद मैं दूसरी आपके सामने पढ़ रही हूँ। ऐसी क्या है जो खरीदने पर काला, जलने पर लाल और फेंकते समय सफेद हो जाता है? ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदने पर काला है और जिसको हम जलाएंगे वो लाल है, और जब उसको फेंकेंगे तो वो सफेद रंग का हो जाता है? बताओ क्या है वो चीज। सोचो सोचो, सोचिए। सोच लिया? बिल्कुल सही सोचा आपने, वो है कोयला। क्या है वो? कोयला। अब आगे देखिए, एक और बताइए मुझे। गोल है पर गेंद नहीं, पूंछ है पर पशु नहीं। गोल है पर गेंद नहीं, पूंछ है पर पशु नहीं। बच्चे उसकी पूंछ को पकड़कर खेलते हंसते और हैं खिलखिलाते। बताइए कौन सी चीज है वो? चलो आपको मैं एक हिंट देती हूँ इसके लिए, वो आपकी गली में बेचने आता है। सोचो सोचो क्या है वो। गोल है पर गेंद नहीं, उसकी एक लंबी लंबी पूंछ होती है, लेकिन वो पशु नहीं है। उसको पकड़कर आप खेलते हो, हंसते हो, खिलखिलाते हो। बताओ क्या है वो चीज। याद आया? बिल्कुल सही, वो है गुब्बारा। क्या है वो? गुब्बारा। बिल्कुल सही सोचा आपने। आगे बताइए। दो अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ मैं खाने के काम। दो अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ मैं खाने के काम। उल्टा होने पर नाच जाऊं, उल्टा होने पर नाच जाऊं, अपना क्यों मैं नाम बताऊं। आप बताओ इसका नाम। ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप खाते हो? सोचिए। देखिए उल्टा, अब इसी पहेली में ही आपको हिंट मिल रहा है, आप इसको ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या है वो चीज। सोचा आपने? बिल्कुल सही है। देखो ये नाच शब्द दे रखा है ना, इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या बनेगा? चना। इसका उत्तर क्या है? चना। चना तो आप खाते हैं ना। बिल्कुल सही। अब अगली पहेली देखिए। पहला कटा तो दर हो जाएगा, पहला कटा तो दर हो जाएगा, आखिरी कटा तो बंद। बोलो क्या है वो? फिर से सोचो। पहला कटा तो दर हो जाएगा, पहला अक्षर कटा तो दर हो जाएगा, आखिरी अक्षर कटा तो बंद हो जाएगा। तो बताओ क्या है वो? बिल्कुल सही सोचा आपने, वो है बंदर। क्या है? बंदर। देखो उसका पहला ब कट गया तो दर बचा, और आखिरी रे कटा तो बंद बन गया। तो बन गया ना, तीनों मिला दिए हमने, क्या बना? बंदर। बिल्कुल सही सोचा आपने। उसके बाद अगली पहेली। एक थाली है उल्टी पड़ी, एक थाली है उल्टी पड़ी, फिर भी है मोतियों से भरी। फिरती है थाल चारों ओर, ना मोती गिरे और न हो कोई शोर। बताओ क्या है वो? फिर से सोचो। देखो एक थाली है उल्टी पड़ी, एक बहुत बड़ी थाली है उल्टी पड़ी और मोतियों से भरी हुई। फिरती रहती है वो, यानी थाल चारों ओर फिरता रहता है, उसका मोती एक भी नहीं गिरता और ना ही कोई शोर होता है। बताओ क्या है वो?
सोचो सोचो। अच्छा ऊपर देखो, देखो आपको क्या दिखाई देगा। रात को दिखाई देते हैं वो। अच्छा ये एक हिंट देती हूँ मैं आपको, रात को दिखाई देते हैं। याद आया? बिल्कुल सही सोचा आपने, वो है आसमान और तारे। क्या है वो? आसमान और तारे। अगली पहेली देखिए। एक मुंह है और तीन है मेरे हाथ, एक मुंह है और तीन है मेरे हाथ, रहता नहीं कोई मेरे साथ, गोल गोल हूँ मैं रोज चलता, सबकी थकान मैं हूँ मिटाता, बताओ मैं हूँ कौन? बताइए। अच्छा सोचो, आपके कमरे में है ये, उसका एक मुंह है और उसके तीन हाथ हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो गोल गोल रोज चलता है और आपको जब थकावट होती है तो आप नीचे बैठ के आराम करते हैं? बिल्कुल सही सोचा, वो है पंखा। क्या है वो? पंखा। तो बच्चों एक बार फिर से इसी पहेलियों को पढ़िए और आप औरों से पूछिए, देखो आपको कितना मजा आएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।